चाक पर मिट्टी को तरल हाथों से आकार देता यह कलाकार नहीं जानता कि इसके बाद इस कला को कौन बचाएगा। इन कलाकारों की विरासत अब खतरे में है। हाथों से मूर्तियां बनाने वाले ये कलाकार भूख और गरीबी से दो दो हाथ करते हैं। लोग आते हैं, इनकी बनाई मूर्तियों को सराहते हैं, तारीफ करते हैं, मगर दाम नहीं देते। घूमते चाक के साथ कभी कोई मूर्ति तैयार होती है तो कभी कोई सुराही, मगर बदलते वक्त के साथ सदियों से चली आ रही ये कला और परंपरा। और ये कलाकार पेट पालने के संघर्ष के बीच इस कला का त्याग कर रहे हैं। जो करते हैं धंधा उसमें भी हमें मजदूरी पूरी मिलती नहीं है और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। दो जून की रोटी भी नहीं मिलती है। अगर राज्य सरकार द्वारा हमें कोई सहायता मिल जाए तो हम अभी अच्छा जीवन से पालन कर सकते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये माटी मोटी कला विस्तार पाता था। दिल्ली के प्रगति मैदान में लगने वाला ट्रेड फेयर हो या फिर दिल्ली हाट में लगने वाली प्रदर्शनी, इन कलाकारों के हाथ से बनी मूर्तियों की डिमांड तो काफी रहती है, मगर सरकारी उदासीनता के चलते इनका हौसला पस्त हो जाता है। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद भी ये इतना नहीं कमा पाते कि सर पर छत की व्यवस्था कर सके। इनके बनाए खिलौनों को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी सारे खिलौने काफी दिलचस्पी के साथ खरीदते हैं, मगर इनका जीवन स्तर ना तो आधुनिक हो पाया ना उचित संसाधन इन्हें मिल सका। वक्त रहते माटी मोटी कला और इनके कलाकारों की अगर देखभाल नहीं की गई तो यकीन मानिए ये कला, जिसे विदेश में लोग पोकरण पोर्ट के नाम से जानते हैं, एक दिन लुप्त हो जाएगी। चंद्रशेखर दवे, जी मीडिया, पोकरण। बड़ी खबर जयपुर से।